The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. सो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन आज बात करेंगे व्हाट इज क्लियर लिक्विड डाइट क्लियर लिक्विड डाइट इज क्या है ये एक होममेड मेड अप बेसिकली सिंपल सिंपल डाइट है जिसमें एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड लेंगे आप फूड जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा जैसे कि क्लियर ब्रॉथ चाय क्रैनबेरी जूस जेलो पॉप्सिकल्स ऐसी चीज़ें सिंपल सिंपल सूप हो गया वैसी चीज़ें ऐसे में आप क्यों लेंगे ये अगर आपको क्लियर लिक्विड डाइट पे तब रखा जाता है अगर मान लीजिए कोई आपका इंटेस्टाइन्स को खाली रखना है उसको खाली रखना मतलब कहीं मान लो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है पेट का इन्फेक्शन है या उसको उसका मान लो कोई बड़ा ऑपरेशन होना है आपको या ऑपरेशन होने के बाद इमीडिएटली आपको डाइट शुरू करनी है तो क्लियर लिक्विड डाइट शुरू की जाती है कोई मेडिकल टेस्ट होना है एंडोस्कोपी होना है कोई प्रोसीजर होना है जिसमें या लाइक आई सेड किसी किसी प्रकार की सर्जरी के दौरान पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको बोला गया है क्लियर लिक्विड डाइट तो क्लियर लिक्विड डाइट लीजिए बिकॉज नहीं लोगे तो वो आपके सर्जरिकल प्रोसीजर या उसमें प्रॉब्लम कर सकता है क्लियर लिक्विड डाइट नहीं लेते तो ऑल्सो क्लियर लिक्विड डाइट एक तरीके कुछ दिनों के लिए लिया जाता है हमेशा ज़िंदगी भर नहीं कुछ दिनों के लिए लेने से एक तरीके का ट्रीटमेंट भी है ये होम मेड ट्रीटमेंट है होम मतलब घर पे ट्रीट करते होम रेमेडी जैसा काम करता है किसी भी प्रकार के स्टमक के प्रॉब्लम जैसे कि अगर आपको डायरिया हो रहा है तो क्लियर लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लिक्विड्स आपके लिए बहुत अच्छा है इफ़ यू आर थ्रोइंग अप हैविंग वॉमिटिंग इफ़ यू आर फीलिंग सिक इन योर स्टमक तो क्लियर लिक्विड डाइट आपको हेल्प करेगा दिस इज क्लियर लिक्विड डाइट किसी प्रकार के स्टमक के प्रॉब्लम वॉट कैन यू ईट एंड ड्यूरिंग ड्रिंक वॉट कैन यू ईट वॉट कैन यू ड्रिंक सीधी सीधी बात सिंपल सिंपल आप प्लेन वाटर ले सकते हैं फ्रूट जूसेस ले सकते हैं विदाउट पल्प इस बार आप जूसेस को छानेंगे फ्रूट जूसेस विदाउट पल्प सच एज ग्रेप जूस एप्पल जूस क्रैनबेरी जूस आप वेजिटेबल्स का सूप बना सकते हैं ब्रॉथ बना सकते हैं क्लियर सोडा ले सकते हो जिंजर या जिंजर सोडा स्प्राइट जैसी चीज़ें ले सकते हो अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल होती है बट लिटिल बिट ले सकते हैं जेलेटिन ले सकते हैं जो फ्रूट के जेलीज आते हैं वो जेलीज आप ले सकते हो फ्रूट पल्प वाली नहीं लेना है फ्रूट पल्प वाले चीज़ें नहीं लेना क्लियर लिक्विड होना चाहिए उसमें चबाने वाली कोई चीज़ नहीं यू कैन टेक टी कॉफ़ी बट अगर उसमें कोई क्रीम या मिल्क नहीं ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी लेना है स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हो लेकिन वो वाली जिसमें कलर नहीं है विच हैव डोंट हैव कलर याद रखिए हम नहीं बना रहे ये रिकमेंडेशन है सीधा आपको US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी मेडलाइन प्लस से मिल रहे हैं सो दोज आर द रिकमेंडेशन अगेन ये जो फूड है इसके अलावा आपको क्या नहीं खाना है नॉट ओके आपको दूध नहीं लेना है दही नहीं लेना है दूध और दही नहीं लेना है आपको ऐसा कोई जूस जिसमें पल्प हो जिसमें नेक्टर हो वो नहीं लेना है अलग से तो दिस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या करना है यू कैन ट्राई हैविंग अ मिक्स ऑफ 3 to 5 ऑफ दीज लिक्विड्स 3-4 लिक्विड आप ब्रेकफास्ट के लिए लो फिर लंच के लिए लो फिर डिनर के लिए लो यू कैन ऐड लेमन और शुगर इफ़ यू वॉन्ट शुगर हनी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर आपको ये भी बोल सकते हैं कि कुछ प्रकार के टेस्ट हैं अगर होने जा रहे कोलोनोस्कोपी होनी तो कलर वाले लिक्विड्स आप बंद करें कलर वाले लिक्विड भी बंद कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी वो अलग चीज़ है और अगर आपको ये करना है तो ये डॉक्टर के सुपरविजन पे ही होगा ये खुद से नहीं होगा ये वेट लॉस डाइट नहीं है ये जय माता दी लेट्स रॉक नहीं है ये डॉक्टर के सुपरविजन पे होता है और ये 3 से 4 दिनों से ज़्यादा नहीं की जाती और ये डाइट इवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होती है क्योंकि इतनी मात्रा में शुगर नहीं जा रहा कार्बोहाइड्रेट तो खा ही नहीं रहे मगर अगेन शॉर्ट टाइम के लिए विथ द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ क्लियर लिक्विड डाइट टेकन फॉर 3 days, 4 days आफ्टर सर्जरी बिफोर सर्जरी बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर या फिर नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो याद रखिए एक और डाइट है विच वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑफ विच इज कॉल्ड ब्लांड डाइट ब्लांड डाइट अलग है जिसमें आप मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते ये है क्लियर लिक्विड डाइट
ठीक है, याद रखिए लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट, नॉट जस्ट लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट है, क्लियर लिक्विड डाइट का ये इंपॉर्टेंस है। सो आई होप आपको समझ आई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू राइट डाउन एंड डू वॉच माई ब्लांड डाइट वीडियो टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।